तो बेसिकली आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग पे बात कर रहे हैं। हमारी ये दूसरी क्लास है और दूसरी क्लास में हम आपके साथ बात करेंगे एक प्रोजेक्ट के बारे में। जी हाँ, आपका बीवीए का फर्स्ट प्रोजेक्ट है जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने लास्ट क्लासेस में बात की थी वर्कबुक हैंडलिंग के बारे में, आज हम बात करेंगे वर्कबुक से रिलेटेड प्रोजेक्ट के बारे में। तो प्रोजेक्ट का प्लेटफॉर्म समझ लीजिए क्या है। बेसिकली मेरे पास मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर है जो कि डेटा बेस के मतलब सॉफ्टवेयर जहां से हम डेटा लेते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि जो सॉफ्टवेयर है ना वो डेटा मुझे देता नहीं है, डेटा एडिट करता है। मतलब मैं क्लिक करके फाइल डाउनलोड नहीं करता हूँ, मुझे एक फाइल सजेस्ट करना पड़ता है कि ये वाला फाइल है और फिर जाके उस फाइल को वो डेटा उसको ओपन करके उसमें डेटा डालता है। तो हमें क्या करना है कि आज की जो डेट है, आज की डेट हो गया 28/4/2022, तो हमें करना है कि हमारे ड्राइव में मतलब किसी एक ड्राइव में से मान लीजिए मैं ई ड्राइव की बात करूं, ई ड्राइव में जाएगा 2022 का फोल्डर बनाएगा मैं न्यू करके, और 2022 फोल्डर के अंदर आज की जो मंथ है कौन सा, चार, तो इसमें एक फोल्डर बनाएगा 4 मंथ का, 4 मंथ का। फिर इसके अंदर राइट क्लिक करके वापस न्यू पे आएगा और आज की डेट हो गई 28/28 का फोल्डर बनाएगा और इसके अंदर फिर नई फाइल क्रिएट करेगा 28 का। तो समझ में आया? हाँ जी, क्या बताओ, करना क्या है, समझ में आ गया सर आपको? आपकी न्यू होल्डर 28 का आज का रेट का मतलब, जब भी अगर मान लो हाँ, कल जस्ट ऐसा जब रेट मैं का कल ओपन करूं तो 29 का हो, परसों ओपन करूं तो 30 का हो, उसके बाद ओपन करूं तो 1 का हो, ठीक जी है? चलिए इसके लिए प्रोग्रामिंग करते हैं। तो एक्सेल पे आते हैं हम, बुक वन पे, और इसके डेवलपर टाइम में जाके हम विजुअल बेसिक को ओपन करते हैं और इसको हम टू स्क्रीन कर देते हैं ताकि साफ साफ हम समझाते रहे एक्सेल पे भी आपको। इंसर्ट करते हैं मॉड्यूल्स, यहाँ पे सब्जेक्ट देते हैं फर्स्ट पी के नाम से, फर्स्ट प्रोजेक्ट। और सबसे पहले मुझे पता करना होगा कि करेंट सिस्टम डेट कैसे आएगा। देखिए एक्सेल में होता है फॉर्मूला टुडे का, टुडे का फॉर्मूला करेंट सिस्टम डेट देता है, उसके बाद ईयर का फॉर्मूला इसमें से ईयर अलग कर लेता है, डे का फॉर्मूला इसमें से डे अलग करता है और मंथ का फॉर्मूला इसमें से मंथ अलग करता है। तो चार फॉर्मूले एक्सेल के होते हैं। अब ये तीन फॉर्मूले को वीवीए में सपोर्ट करते हैं। ये कैसे पता चला? जब मैं यहाँ ईयर का फॉर्मूला लगाया, देखिए नीचे एक्सप्रेशन आ गया, साइंटिक्स आ गया ना, इसका मतलब है कि वीवीए को सपोर्ट करता है। लेकिन मैं मंथ देता हूं, देखिए मंथ दिया तो मंथ के नीचे भी आ गया, और हम यहाँ पे डे देते हैं तो डे के नीचे भी आ गया। लेकिन हम टुडे का फॉर्मूला देते हैं तो उसमें नहीं आया, मतलब टुडे का फॉर्मूला सपोर्ट नहीं करता है। तो यहाँ भी टुडे के फॉर्मूला के लिए हमारे पास डेट होता है, मतलब करेंट सिस्टम डेट देता है, लेकिन इक्वल हमने डेट दे दिया, लेकिन डेट स्टोर कहाँ करेगा? तो हमें एक वेरिएबल चाहिए। जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग एक्स वाई जेड लेते हैं ना, एक्स इक्वल टू 100, और जहां जहां 100 की जरूरत पड़ी वहां पे हम एक्स का इस्तेमाल करते हैं। सेम तरह से मैंने लिखा वाई और हमने बोला ईयर, और ईयर में से डेट दे दिया, तो डेट क्या करेगा, करेंट सिस्टम डेट देगा किसको, ईयर को, और ईयर जैसे यहाँ 2022 है, 2022 अलग करके वाई पे डाल देगा। अब मुझे जहां जहां 2022 की जरूरत पड़ेगी वहां वहां हम वाई को ले लेंगे। समझ गया सर? फिर मंथ सेम डेट और डी डे,
अब वाई एम बी की जगह पे हम कुछ भी दे सकते हैं अपने हिसाब से, जरूरी नहीं कि वाई एम बी देना है। आदित्य जी समझ में आया आपको कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, कुछ भी वेरिएबल तो कुछ भी दे दो, ए बी सी डी कुछ भी दे दो जी। अब बात करते हैं फोल्डर कैसे ऐड करेंगे। फोल्डर ऐड करने का कोड होता है, इसको याद रखिएगा, एम के डी आई आर, मेक डायरेक्टरी। उसके बाद जिस लोकेशन में आपको लगाना है वह उस लोकेशन में आप जाइए, और सबसे लास्ट में जो नाम से बनाना है 2022 के नाम से बनाना है तो 2022 दीजिए। अब एम के डायरेक्टरी क्या करेगा, ई ड्राइव में 2022 का फोल्डर क्रिएट कर देगा। लेकिन मुझे 2022 फिक्स नहीं करना है ना, हमें तो वाई लेना है ना सर। तो इसको क्या क्या करते हैं, कॉन्केट करके वाई कर देते हैं। मतलब कि 2022 यहाँ है और दूसरे सेल पे आपका अगर ई डला है, तो जब इसको सेलेक्ट करेंगे एंड परसेंट इसको सेलेक्ट करेंगे तो इन दोनों ज्वाइन होके इकट्ठा हो जाता है ना, सेम ज्वाइन होके इकट्ठा हो जाएगा, फिर एम के डी आई आर। समझ में आ रहा है सर आपको? हाँ, तो फोल्डर खोलिए, फोल्डर खोलिए उस नाम ईयर का। ठीक है सर। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। और इसके बाद फिर एंड परसेंट हम वाई देते हैं, क्योंकि वाई के अंदर में हमें वापस क्या करना है, एम का फोल्डर बनाना है। यहां पे एम देते हैं, सॉरी यहां एरर आ गया। ठीक है, समझ में आया आपको कि यहां तक तो 2022 था ना। अब इस 2022 में इसने स्लैश को ऐड करके यहां पे कुछ इस तरह से कर देगा, स्लैश बना देगा। मतलब कि इसने क्या किया कि 2022 तो पहले से था, इसके अंदर सबसे पहले उसने क्या किया, स्लैश जोड़ा, फिर एन परसेंट किया, और एन परसेंट में इसने क्या किया, 4 को ले लिया, तो कुछ इस तरह का बन गया। समझे सर? फिर मुझे फिर डे का फोल्डर बनाना है, तो सेम इसी को आगे कंट्रोल लेंगे और हम डी दे देंगे। तो ये क्या करें, सबसे पहले ये वो 2000 नया फोल्डर बनाता है, लेकिन कौन सा, जो लास्ट में दिया होता है ना उसी को बनाता है। जैसे कि ई 2022 है, तो ई ड्राइव में जाके 2022 को करेगा। अब इसमें देखिए क्या है कि ई के अंदर जाएगा, 2000 के अंदर जाएगा, फिर 4 को क्रिएट करेगा, मतलब कि 2022 का फोल्डर होना चाहिए। अच्छा, और नहीं होगा तो एरर आ जाएगा। अच्छा अच्छा, तो इसने क्या किया, पहले 2022 का फोल्डर ऊपर बना दिए, फिर हम इसके अंदर गए 2022 के अंदर 4 का फोल्डर बना दिए, और फिर इसके अंदर हमने स्लैश करके और फिर ए 28 का फोल्डर बना दिया। ठीक है, ये तीनों कोड समझ में आ गए। अब बारी आती है इस जो 2022 4 और 28 के अंदर में एक्सेल वर्कबुक क्रिएट करना। तो एक्सेल वर्कबुक क्रिएट करने के लिए बताया था workbooks.add। अब ऐड करने के बाद फिर इसमें एक्टिव वर्कबुक सेव एज कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि हमें 28 नाम का फ्री फोल्डर फाइल बनाना है, तो फिर नीचे में एक्टिव वर्कबुक क्यों करूं, इसी में डॉट सेव एज कर दूंगा जो कल बताया था मैंने। समझे सर? अब इसमें हमें पाथ चाहिए, तो हमें पाथ दे दिए ए वाला, लेकिन ये तो फोल्डर तक का ही है ना, तो इसमें एक बार और स्लैश एक्सेलस, और फिर यहां पे क्या करूंगा, क्योंकि 28 नाम से ही बनाना है तो डी, लेकिन एक्सटेंशन तो देना पड़ेगा ना कि एक्सेलस एक्स है या क्या है, तो एक्सटेंशन दिया। डी आपने दो बार क्यों दिया, मतलब एक बार डी आ तो चुका, बता रहा हूं तो ना, डॉट एक्सेलस, डॉट एक्सेलस कर देते हैं। एक्चुअली डी हो गया, यहां पे देखिए एक्सेल में, तो मैंने क्या किया कि इसके अंदर स्लैश दिया। अच्छा, सर, और स्लैश देने के बाद फिर 2028 को सेलेक्ट किया, फिर एन परसेंट में डॉट एक्सेलस एक्सेलस एक्स को किया। तो
तो यहाँ पे 28 दो बार है ना सर, 28 नाम का फोल्डर है और उस फोल्डर के अंदर 28 नाम का फाइल है। अच्छा, यहाँ तक फोल्डर 28 तक फोल्डर हो गया, उसके अंदर 28 एक्सेल हो गया। हाँ, इसलिए हमने डी को दो बार दिया, ये फोल्डर के लिए हुआ फिर फाइल के लिए हुआ, समझ गए। अब फाइल, अब फाइल को क्लोज भी तो करना है, तो अभी जो फाइल ऐड होके सेव एज हुई है वही एक्टिव होगी क्या? एक्टिव वर्कबुक डॉट क्लोज और यहां पर दे देते हैं ट्रू, और एम एस जी बॉक्स में दे देते हैं जॉब इज डन, ताकि पता चलेगा कि जॉब खत्म हो गया, सब चीज सही हुआ। क्योंकि तो यहां तक, यहाँ अगर एक कोड चल गया इसका मतलब इससे पहले सारा कोड वर्क किया है, क्योंकि तो जैसे ही किसी भी लाइन में इसको प्रॉब्लम होगी वही पे स्टक हो जाएगा, उसके नीचे के लाइन को नहीं रन करेगा, समझे। हाँ जी, तो एक बार 2022 में का फोल्डर नहीं रहे देख लेते हैं, क्योंकि दिक्कत होगी, एक नाम के दो फोल्डर तो बन नहीं सकते। इसको रन कैसे, रन कर, यहाँ से रन कर सकते हैं या माइक्रो से भी जाकर रन कर सकते हैं। कंपाइल एरर, ये आखिरी में एंड सबसे नीचे जीरो वो इक्वल टू लगाया इसमें, जी जी यहाँ से भी कर सकते हैं। जॉब इज डन, तो हाँ अभी फोल्डर कहाँ पे खुला सर? यहाँ पे देखिए 2022 का फोल्डर बन गया, इसके अंदर 4 का फोल्डर बना, इसके अंदर 28 का फोल्डर बना, इसके अंदर 28 का फाइल बन गया। एक बार एक काम करता हूँ, एक बार मैं इसको डिलीट करके दोबारा से रन करता हूँ क्या? डिलीट करके, हाँ अच्छा इसको 2022 डिलीट कर, एक नाम के दो फोल्डर नहीं बन सकते ना सर। हाँ, इसको रन करूँ यहाँ से, जॉब इज डन। तो जब भी ये माइक्रो बनाइएगा तो उसको दो बार रन करके देख लीजिएगा, ठीक है, कंफर्मेशन के लिए। अब जैसे कि प्रॉब्लम ये आई कि चलो 2022 का फोल्डर, ये कोड सर, ये कोड जो है वो मेरे को व्हाट्सएप पे शेयर कर दो, अब कर रहा हूँ, अब एक बार समझ लीजिए। अब प्रॉब्लम ये है कि 2022 का फोल्डर तो साल में एक बार बनेगा, हाँ, मंथ का फोल्डर साल में एक बार बनेगा, महीना में एक बार बनेगा, डे का फोल्डर डेली बनेगा, दिन में एक बार। तो प्रॉब्लम हो गई कि जब मैं अब रन करूंगा, मान लीजिए मैं इसको रन किया तो रन करते आ गया फाइल पाथ एक्सेस एरर, रिवर्क कीजिएगा तो पहुंच जाएगा, क्योंकि 2022 का फोल्डर बना ही नहीं सका क्योंकि पहले से बना हुआ, पहले से बना हुआ है। तो जब पहले से बना हुआ है तो भाई इस लाइन को इग्नोर कर दे क्या? 2022 का फोल्डर बना है तो इग्नोर करके फिर तुम इस पे आ जाओ, इसको रन करो, अगर ए भी बना हुआ है तो इसको इग्नोर करके इस पे रन करो। हाँ सही बात है, तो इसके लिए एक कोड आपको ऊपर देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, समझ गए। इससे क्या होगा कि इस कोड के बाद नीचे किसी भी कोड में अगर एरर आता है तो उस लाइन को स्किप करके वो अगला लाइन पे चला जाएगा, स्टक नहीं होगा, डिबग एरर पे नहीं देगा, ठीक है, समझे। एरर को बाईपास कर दिया है। एक बार मैं 2022 का फोल्डर रहने देता हूँ, 4 का फोल्डर भी रहने देता हूँ, 28 का फोल्डर डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए माइक्रो को आपको वन बाय वन एक एक करके आपको अगर करना हो तो यहाँ डिबग का ऑप्शन होता है, इसमें स्टेप इन्फो होता है, तो स्टेप इंट्रो पे जाएंगे तो एफएफ प्रेस करेंगे तो एक एक लाइन ऐड होगा। देखिए वाई के ऊपर 2022 ऐड हो गया, मैं एफएफ प्रेस कर रहा हूँ, फोर आ गया। अब क्या प्रेस कर रहे हो? F8 फंक्शन 8, ठीक है, हाँ हाँ लिख लिया मैंने, लिख लिया। हाँ यहाँ एरर आ गया, यहाँ पे देखिए डिबग में जाइएगा तो यहाँ दिख जाएगा स्टेप पे शॉर्टकट एफएफ है, ओके। अब यहाँ पे ऑन एरर आया, ऑन आने के बाद फिर ये देखिए इसको चला, इसको चला, ठीक है, ये दोनों में एरर था तो एरर को इसने बाईपास करके आगे बढ़ गया, समझे। डिबग फ्लो बनाया, फाइल बनाया, फाइल को क्लोज किया, जॉब इज डन, समझ गए। तो इस प्रोजेक्ट से हमने सीखा कि डेट के अकॉर्डिंग ये डायनेमिक हुआ सर, ठीक है ना।
हर दिन आप इसमें दिन और डेट का झंझट नहीं है, जब भी ओपन करेंगे तो सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग वो अपना काम कर देगा, समझ गए। अब इस माइक्रो को आप जो है एक बार अपने यहाँ लिखिए, रन कीजिए, थोड़ा बहुत चेंजिंग कीजिए, समझ गए। एक फाइल की जगह पर दो फाइल बनाइए या फिर किसी फाइल को सेव एज करवाइए, समझ गए ना। तो करूँ कल जो उसके साथ। बताई थी ना, कल जो इस पे प्रैक्टिस किया था उसी प्रैक्टिस को यहां आप इंप्लीमेंट करें, समझ गए। कोड हमने आपको व्हाट्सएप